इन दिनों सावन मास चला हुआ है और इस महीने जगह जगह खीर के भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग जाति धर्म से हटकर इस महीने खीर खिलाकर पुण्य के भागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी शहर के गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल परिसर में खीर के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संत बाबा लाभ सिंह कार सेवा दल मंडी की तरफ से लोगों को खीर खिलाई गई। स्कूली बच्चों को सबसे पहले खीर बांटी गई और उसके बाद राहगीरों को खीर का प्रसाद बांटा गया। प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने बताया कि सावन महीने में खीर खिलाना शुभ माना जाता है और इसी कड़ी में स्कूल परिसर में खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। जैसा कि आजकल सावन का महीना चल रहा है तो इस उपलक्ष में लोगों को खीर खिलाना शुभ माना जाता है, तो आज हमारे स्कूल गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार सेवा प्रमुख प्रबंधक संत बाबा लाभ सिंह, जो कि स्कूल के भी चेयरमैन हैं, इनकी तरफ से स्कूल के बच्चों व स्टाफ के लिए खीर का आयोजन किया गया और बच्चों को बड़े प्यार से खीर खिलाई गई। वहीं संत बाबा कार सेवा दल मंडी के सदस्य लखनपाल सिंह ने बताया कि सड़क पर यातायात बाधित न हो, इसके लिए स्कूल परिसर में खीर के लंगर का आयोजन किया गया और राहगीरों को भी यह खीर खिलाई गई। इस मौके पर संत बाबा कार सेवा दल मंडी के प्रधान नारायण सिंह, सदस्य गुरचरण सिंह, संतोख सिंह सहित अन्य सदस्य और स्कूल के अध्यापक व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। तो आज हमने संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा दल की तरफ से मंडी में जो ट्रैफिक की आवाजाही को देखते हुए जाम ना लगे, तो हमने यहां गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में आयोजन किया है। यहां 400-500 बच्चे हैं जिनको हमने खीर का भंडारा लगाकर एक उचित कार्रवाई समझा कि शहर में ना जाम लगे और ना ही यातायात को कोई परेशानी हो।